नमस्कार मित्रांनो, मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ तंदुरुस्त हैं, इस कोरोना के समय में अपना ख्याल रख रहे हैं, अपने नज़दीकी परिवारजनों का, मित्रों का ध्यान रख रहे हैं और एकदम तंदुरुस्त ताजे माजे हैं। मैं आज चाकन, पुणे के पास में जो चाकन कह के शहर है, वहाँ ये सुंदर रिंग को भेजने जा रहा हूँ। किनकी सगाई है और उन्होंने चाकन में कोई या पूना के कोई ज्वेलर को ना चुन के हमारे पास में ये रिंग का ऑर्डर दिया है। तो ये चाकन में या पूना में ना खरीदने और सीधा होलसेल मार्केट में खरीदने का अंतर ये है कि आप सब्जियां कोई स्टोर में ना खरीद के सीधे खेती से, सीधे फार्म से खरीदते हैं। कितनी अच्छी ताजी माजी सब्जियां किफ़ायती दाम में, सही दाम में, सही इंसान से मिल सकती है। और क्योंकि हम विश्व के सबसे बड़े हीरा उद्योग में बैठे हैं जो है बम्बई में, और 25 साल का एक्सपीरियंस है, तो जो हीरा चुनना, जो हीरा जो हम सिलेक्ट कर सकते हैं वो आपका लोकल ज्वेलर नहीं दे सकता। इस रिंग में जो डायमंड है वो IGI सर्टिफाइड डायमंड है, 70 सेंट का वजन है, जे कलर VS1 ग्रेड का, एक्सेलेंट पॉलिश सिमेट्री, इसकी डिटेल है। तो ये जब आप हमारे से खरीदते हैं तो हमने ऐसे बहुत सारे डायमंड देखे होंगे, उसमें से एक चुना होगा। जब डायमंड दिखते हैं तो डायमंड देख के उसके अंदर के दाग सही किस्म के है कि नहीं वो देखना होता है। उसका जो रंग है वो ऐसे कलर कार्ड में रखना होता है जिससे पता चलता है कि उसका रंग जो उसके जो ग्रेड दिए है वो मुताबिक है कि नहीं। लेबोरेटरी तो डायमंड को परखता है मगर एक थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप स्टोर में जाओगे, मेरी गारंटी है कि आपके हर बजट में हर क्वालिटी का डायमंड नहीं मिल सकता। इसका मतलब कि आप ऐसा गेस कीजिए कि 1 लाख रुपए का बजट है, तो आप 1 लाख रुपए में आप कहोगे कि मुझको 50-100 वैरायटी के डायमंड दिखाए, क्योंकि हर वैरायटी के आ सकते हैं, 100 अलग अलग वैरायटी के डायमंड आ सकते हैं, तो वैसे दिखाइए तो स्टोर नहीं बता सकता आपको। तो वो सारी चीज़ें होलसेल मार्केट में उपलब्ध होती है, मगर आपके लिए क्या ठीक है वो हम आपके साथ चर्चा करके वो चीज़ समझ के आपको दे सकते हैं। हर बजट में आप या तो बड़ी साइज का डायमंड खरीदोगे तो क्वालिटी लोअर हो जाएगी, अच्छी क्वालिटी का खरीदोगे तो साइज कम हो जाएगी। तो हर चीज़ की एक वेरिएशन होती है, तो वेरिएशन में कौन सा बैलेंस हो के डायमंड आपके लिए ठीक होगा वो हमारा काम है। तो डायमंड सही चुनना, क्योंकि वो 80% आपका बजट का है। तो आज इसमें हमने सही डायमंड चुना पहले सेंटर का, फिर जब डिज़ाइन की चर्चा की तो उनको रोज गोल्ड में बनानी थी। आप देख सकते हैं डिज़ाइन कितनी अच्छी सुंदर, ये जो फ्लावर की डिज़ाइन है पेटल्स नीचे लगाई हुई है दोनों साइड, और दोनों साइड से उनको डायमंड यहाँ पे शैंक पे चाहिए था, जो अंगूठी है इसके ऊपर दोनों साइड डायमंड चाहिए थे। तो आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन स्टाइल में भी है, बड़े से होके छोटा टेपरिंग हो रहा है एंड पे जाके रोज गोल्ड। तो गारंटी है कि आपको कोई भी चाकन के ज्वेलर के पास में इतनी सारी ऑप्शन नहीं मिल सकती, इतनी या इतना वाइड रेंज ऑफ मॉडिफिकेशन नहीं मिल सकता। तो आप चाकन में हो, आपके घर बैठे आपको सहूलियत चाहिए, सही क्वालिटी किफ़ायती दाम पे, तो मेरे नीचे दिए गए संपर्क में आप आइए। संपर्क में एक छोटी फी के साथ, 700 रुपये की फी के साथ मैं ये काम शुरुआत करता हूँ। सारी डिटेल जानकारियाँ आपको बताऊंगा कि डायमंड आपका रियल नेचुरल डेलाइट में कैसा दिखेगा, ऐसे उंगली पे रख के कि आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा डायमंड है, कैसा दिख रहा है डेलाइट में, क्योंकि डेलाइट में देखना वो ही सही है, उंगली पे रख के देखना वो ही सही है, क्योंकि उससे पता चल सकता है कि साइज कैसी है, आपको हीरा वास्तविकता में कैसा दिखता है, ना कि जो स्टोर में आप देखते हैं। स्टोर में देखते हैं वो है पीली रंग रोशनी उसके ऊपर रखना, ये ऑनलाइन देखते हैं वो बहुत ही एनहांस किया गया फोटो होता है, बहुत ही सुंदर दिखता हुआ फोटो होता है, और फिर आप जब खरीद के बाहर आओगे तो आपको लगेगा आपका डायमंड ऐसा चमक नहीं रहा। तो ऐसी गलतियां मत कीजिए, एक एक्सपर्ट या सलाहकार की सलाह लीजिए और आगे बढ़िए जो हम आपको ऑफर करते हैं, किफायती दाम, अच्छी क्वालिटी, सिर्फ ऑल इज वेल से। तो मेरे संपर्क में आइए और हम इस पे चर्चा कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी किस्म की ज्वेलरी बनानी है या कोई भी राय लेनी है हमारे पास से डायमंड रिलेटेड, ज्वेलरी रिलेटेड, तो मैं बहुत ही उत्सुक हूंगा आपके मैसेज का, और हम आपके साथ में सारी एक्सपर्ट इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे मेरे साथ में टच में रहने के लिए, और रोज कई प्रकार के हीरो की खूबसूरत वीडियोस आप देख सकते हैं। धन्यवाद।